to be built. Birds of a feather, na 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 na. We should be together like birds of a feather, na 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 na. Got to be together like birds of a feather. You and I didn't have a lot of friends, didn't have too much to say, so they never would let us join in all the games they used to play. Seems like it was only yesterday, down at Lincoln Junior High. I remember what the kids used to say as we go strolling by you and me. लंबे हो गई हो है ना माँ? वाओ, अच्छी लग रही हो। चलो सबसे पहले तुम्हारा ट्रंक लेते हैं। मैं कार बीच में ही पार्क कराई हूँ, सब चिल्ला रहे होंगे। कौन सी कार? हमने नई कार ली है। हमने कार ली है? हाँ। पर किस लिए? वो सब बाद में बताऊंगी। वहाँ जो नीली वाली है वही है, सड़क के बीच में जो है। सॉरी सॉरी, बस जा ही रहे हैं, बस एक सेकंड। दादी माँ, तुम्हारे कितने याद आ रही है तुम्हारे लिए। सॉरी, मुझे दो सेकंड की खुशी में। ओ, ये आपने बनाया? तुम्हें क्या लगा कश्मीर है? विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैंने बनाया। मार्गरेट, इधर आओगी प्लीज, तुम्हारी मदद चाहिए। जरा नीचे से उठाओ इसे। उठाओ ऐसे ध्यान से, रख दो। शाबाश। ऑलराइट, चलो धीरे धीरे। देखो ध्यान से आना, साइकिल संभाल कर। पहुँच ही गए, लो पहुँच गए। बस हो गया। डैड, मेरी बच्ची, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। देखो तो सही, कितनी लंबी हो गई हो। अच्छा बताओ, कैंप कैसा रहा? बहुत मजा आया। सुनो, तुम प्ले में थी? हाँ। ओ, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्यों रखे? उसके बारे में छोड़ो, तुम बताओ कैंप कैसा रहा, क्या किया तुमने? शिफ्ट हो रही हो क्या? करती हूँ मॉम। सिल्विया, आपने वादा किया था हम शिफ्ट हो रहे हैं। देखो, हम उस दिन डब्बे देख लिए थे। हाँ, पर तो पता चल ही जाता ना। आपने बताया ही क्यों? हम शिफ्ट हो रहे हैं। आप भी? हम, देखो, हम चाहते थे तुम पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर हम बताते। पर तुम्हारे डैड का प्रमोशन हुआ है। हाँ, कितनी अच्छी बात है ना। और वहाँ एक अच्छा सा घर मिला है। बेस्ट है, सबसे बेस्ट। वही तो बात है, हमारी किस्मत अच्छी थी। न्यू जर्सी में? न्यू जर्सी? माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने कहा था मैं दखल नहीं दूंगी। हम न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं? हम कुछ नहीं छोड़ रहे, बस नदी की दूसरी तरफ जा रहे हैं। पर हम यहाँ खुश हैं, तो जाने की क्या जरूरत है? जाने की जरूरत नहीं है, पर हम जाना चाहते हैं, है ना? मैं नहीं, मुझे दोस्तों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और स्कूल बदलना पड़ेगा, और मैं दादी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, तुम्हारे यहाँ वाले दोस्तों के साथ तुम नए दोस्त बना पाओगी, और सबसे खास बात, मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। तुम इसका मतलब जानती हो? मतलब ये कि मैं हर पल गायब नहीं रहूँगी, एक क्लास से दूसरी क्लास नहीं भागूंगी। तो मैं छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पर आपको आर्ट सिखाना पसंद है? ओह हाँ हाँ, अब भी है बिल्कुल। पर ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता पाऊंगी और तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रख पाऊंगी। स्कूल के होमवर्क में हेल्प करूंगी, तुम्हारे फ्रेंड्स की मॉम्स की तरह। सब साथ में डिनर करेंगे और मैं खाना बनाना भी सीख लूंगी। जानती हूँ ये मुश्किल है, पर हमारी खातिर ये कर सकती हो? हाँ। ओह, I love you so much, यहाँ आ जाओ तुम भी। और आप भी सिल्विया, आ जाइए। Come on। अब आ भी जाइए, आपका मन भी है। जल्दी आओ। हाँ हाँ, आ रही आ रही। ओह, ये हुई ना बात। मेरी बच्ची, न जाने फिर कब मुलाकात। अरे यार, वाह, कितनी फिल्मी बातें करती हो आप। तो इसे वहाँ क्यों ले जा रहे हो जहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स है, जिसमें हर जगह बेवकूफ बने? आप ऐसी बातें क्यों? Oh.
कार। आप सुन रहे हैं गॉड? मैं हूँ मार्गरेट साइमन। मैं बस चाहती हूँ कि मतलब पहली बात आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। मैं शिफ्ट नहीं होना चाहती। मैं इस शहर के अलावा और कहीं नहीं रही और मैं ये नहीं करना चाहती। प्लीज़ प्लीज़ मेरी विश पूरी कर दीजिए। प्लीज़ हमें यहाँ से शिफ्ट होने से रोक लीजिए। अगर आप हमें रोक नहीं सकते, बस इतना कर दीजिए कि न्यू जर्सी बुरी जगह ना निकले। तुम्हें धूप चाहिए ना? ओह, अरे यार, बदबू इतनी बुरी है। हाँ, इसे अच्छा तो नहीं कह सकते। तुम समझने लगोगी बहुत ही जल्द, यकीन मानो। मैं देखती हूँ। तुम्हारा नाम मार्गरेट है और तुम 6th स्टैंडर्ड में हो। रियल एस्टेट एजेंट ने पूरे इलाके में तुम्हारे बारे में पैम्पलेट्स बांटे हैं, जो इतने बड़े थे और उस पर फोटो भी थी। ओह, ओके। मैं हूँ नैन्सी, मैं भी 6th स्टैंडर्ड में हूँ। क्या मेरे गार्डन में चलकर फव्वारों से खेलना चाहोगी? ओह, मुझे पता नहीं वो क्या मतलब। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब मुझे पूछना पड़ेगा। बस एक सेकेंड। मॉम। हाँ। पड़ोस की एक लड़की है, वो मुझे फव्वारों में खेलने के लिए पूछ रही है। ओह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मेरा स्विम सूट कहाँ है? यहाँ ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो। नहीं चलेगा, मैं अपना एक दे दूंगी। ओह हेलो नैन्सी व्हीलर, मैं यहाँ के सबसे बड़े घर में रहती हूँ। चलो चलते हैं। तुम डेलेनो में कौन सी क्लास में हो? लेटर में था रूम 18। मैं भी तो रूम 18 में ही हूँ। फिफ्थ मैम हमारी क्लास टीचर होने वाली थी, पर वो किसी लड़के के साथ भाग गई। अब हमें नई टीचर मिलने वाली है। आ जाओ, मेरा कमरा ऊपर है। वेलकम। स्विम सूट्स यहाँ रखे हैं। ये लो, ये साफ है। थैंक्स। मैं कपड़े कहाँ बदलूँ? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी नहीं। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? भी फ्लैट हो? मेरे तो बड़े होने लगे हैं। देखो आगे जाकर और बड़े हो जाएंगे। मुझे लगा न्यूयॉर्क से आई लड़की अच्छी खासी बड़ी होगी। किसी लड़के को किस किया है? तुम्हारा मतलब असली किस, यानी कि लिप्स पर? हाँ, कभी किया है? किया तो नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं, पर मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। देखना चाहोगी? प्रैक्टिस किए बिना एक अच्छा केसर नहीं बन सकते। अब चले।
बस मुझे फॉलो करो। अब ये देखो। Moi je joue. Moi je joue, je contre joue. Je veux jouer, je contre vous. Mais vous, le voulez-vous? De tout cœur. Je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans. ओह वैसे मानना पड़ेगा तुम मॉडल बहुत कमाल की हो। ये लड़के कौन हैं? एक मेरा भाई और दूसरा उसका बेवकूफ दोस्त। तुमने अच्छा नहीं किया। वो इसी के लायक है। तुम कौन हो? मार्गरेट, हम अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो ये नई फैमिली तुम्हारी है? तुम्हारे डैड को घास कटवानी हो तो मैं सस्ते में कर दूंगा। एवन, अभी इसी वक्त यहाँ आओ। इसको छोड़ूंगा नहीं। हम ये चिड़िया के लिए लाए हैं। मेरा नाम है मूस, मूस फ्रीड। मैं पास में ही रहता हूँ। और याद से अपने डैड से बात कर लेना घास के बारे में। कर लूंगी। हाँ, मैं जाकर इवन को देखता हूँ। सॉरी, तुम्हें मूस के साथ छोड़ दिया। ओ, कोई बात नहीं, वो छोड़ो। सुनो मार्गरेट, क्यों ना तुम हमारे सीक्रेट क्लब का हिस्सा बनो। पहले से हम तीन हैं और अब तुम चौथी। पर सॉक्स मत पहनना वरना बाकी तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। आओ, जल्दी मिलेंगे। आप सुन रहे हैं गॉड, मैं हूँ मार्गरेट। याद आया? कल स्कूल का पहला दिन है। मैं आज नैंसी नाम की एक लड़की से मिली। पता नहीं उसे मैं पसंद हूँ या नहीं। शायद उसे लगा हो कि मैं उससे थोड़ी अलग हूँ या पता नहीं, लेकिन उससे मिलकर मैं सोचने लगी शायद टाइम आ गया है कि थोड़ी हलचल दिखाई दे इस एरिया में। आ जाइए। देखो, मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरूर। ये भी मिला है, चाहो तो रखो। थैंक्स गॉड। थैंक्स मॉम। अरे वाह, क्या लग रही हो। स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार हो? कैसा लग रहा है? बहुत मजा आएगा, है ना? मजा ना भी आया तो भी पूरा साल बाकी है, है ना? बिल्कुल। अच्छा चलो, बाद में मिलेंगे। बाय बाय। मैंने तुम्हारे सॉक्स नहीं निकाले क्या? मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? शू बाइट्स हो जाएंगे। बस मन नहीं है। ठीक है। अरे नहीं, रुको डैड, रुको रुको डैड। हाँ। मैं आपसे पूछना भूल गई, मूस नाम का लड़का कुछ पैसों के लिए हमारे गार्डन की घास काटना चाहता है। मूस? देखो, इसे थैंक यू कहना, लेकिन मैंने एक नई मशीन खरीदी है इसलिए बस घास उगने का वेट कर रहा हूँ। चलो स्कूल में छा जाना, ठीक है बेबी? ठीक है, बाय। आखिरी बार पूछ रही हूँ, सॉक्स नहीं पहनना चाहती? जल्दी करो, क्लास शुरू हो गई है। मार्गरेट, यहाँ। हेलो, गुड। मुझे लगा तुम भूल जाओगी। गाइस, यह है मार्गरेट, मैंने बताया था। मार्गरेट, यह है जेनी। हाय, मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। और यह है ग्रेचन। तो तुम चौथी हो। लकी हो तुम्हारे लिए सीट रखी, वरना तुम्हें बैठना पड़ता नॉर्मन फिशर के पास। ओह माय गॉड, देखना मत, फिलिप लीरोय क्लास में आ चुका है। मैं तो चाहती थी वो हमारे क्लास में आए। ये फिलिप लीरोय कौन है? खुद ही देख लो। मैंने जो कहा था वो देखा क्या? ये हमारी टीचर है। ये नहीं, ये लॉरा डैंकर है। उससे दूर ही रहना, ठीक है? मेरे भाई ने बताया ये उसके और मूस के साथ एएनपी के पीछे जाती है और उनके साथ नॉटी चीजें करती है।
गुड मॉर्निंग क्लास. तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से. मैं हूँ मिस्टर बेनेडिक्ट और मैं हूँ आपका नया क्लास टीचर. प्लीज इन सेंटेंसेस को पूरा करें ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएं, ठीक है? तो शुरुआत मैं करता हूँ ताकि आप सभी के लिए आसान हो जाए. आई लव कि पहली बार मुझे आखिरकार एक टीचर बनने का मौका मिल रहा है. आई हेट जब मैं खुद पर डाउट करता हूँ डाउट ना करने के चक्कर में, क्योंकि फिर डाउट्स बढ़ते ही जाते हैं और तुम बच्चों के आगे सिर्फ बड़बड़ाते रहते हो. खैर मुझे उम्मीद है आप सभी मेरा साथ देंगे. ठीक है तुम्हारी बारी. आगे पास करो. ठीक है. क्या इनमें से कोई यहाँ लग सकते हैं? नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, चलो. बहुत हुआ, बस बस बस. हेलो, कैसी हो? ओह सिल्विया, हाय. मार्गरेट अभी तक घर नहीं आई. 3:32 हो चुके हैं ना? हाँ. तुमने कहा था वो 3:15 को छूटेगी और रास्ता 10 मिनट का है. हाँ मैंने कहा तो था. हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ होगी, बस किसी भी वक्त आती ही होगी. अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रखती हूँ. ठीक है. तो कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ. हाँ और आप कैसी हैं? ठीक ठाक. मैंने पढ़ा अगर चाहने वाले पास ना हो तो जिंदगी छोटी होती जाती है, पर तुम्हें पता है मैं जी भर कर जीने में यकीन रखती हूँ. वो तो है. हाँ वो तो है. लगता है मार्गरेट आ गई. एक सेकंड रुकिए, दादी का फोन है. माँ बैंडेड कहाँ है? दादी माँ. मेरी बच्ची कैसा लगा न्यू जर्सी? तुम ठीक तो हो ना? वैसे मुझसे सच कह सकती हो? सच कहूँ तो इतना बुरा भी नहीं है. वैसे ये तो अच्छी खबर है, जानकर खुशी हुई. खैर मैं सोच रही थी कि तुम इसके बाद वाले हफ्ते मुझसे मिलने आ सकती हो. मैं एक शो की टिकट्स ले लूंगी. तुम रात मेरे साथ रुकना, हम एक छोटी सी पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? हाँ मैं जरूर आऊंगी. मैं जानती थी तुम आओगी. बहुत खूब. और तुम्हारी मॉम से कह देंगे कि ये तुम्हारा आइडिया था. ठीक है? ठीक है. बाय बाय मेरी बच्ची. बाय बाय. लव यू. सुनिए मॉम, मैं नैन्सी के घर जाऊं? इस वक्त? पर तुम अभी आई हो, स्कूल कैसा रहा ये भी नहीं बताया. जानती हूँ पर अभी के लिए जाऊं? कुछ तो बता के जाओ. बस इतना ही? मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है, जाओ. बाय. आई लव यू. बाय बाय. फिर फ्रेडी ने कहा, बुम बुम. वो चाहती क्या है? वो चाहती है सब उसे देखें. बिल्कुल. अपने बूबीज टूबीज दिखा के. हाय. हम लॉरा डैंकर की बात कर रहे थे. हाँ समर वेकेशंस के बाद तो वो और भी बड़ी लगने लगी है. हाँ वो दिखने में हमसे बड़ी है. वो 4th स्टैंडर्ड से ब्रा पहनते आ रही है. पक्का उसके पीरियड्स भी आ चुके होंगे. उसका पता नहीं पर किसी को तो आए हैं. कैसे पता? मैं डस्टबिन चेक करती हूँ. वो छोटे वाले जो बाथरूम में होते हैं. ठीक है अब काम की बात कर ले. सबसे पहली बात, ये सीक्रेट क्लब एक सीक्रेट है. यहाँ जो भी होगा उसकी बात किसी से नहीं की जाएगी. ठीक है. दूसरी बात, अगर क्लब में रहना है तो रूल्स फॉलो करने होंगे. किस तरह के रूल्स? पता नहीं, सोच रही हो क्या होने चाहिए? सोचने दो. एक रूल मिला. इस क्लब में रहने के लिए जरूरी है तुम पहनो एक ब्रा. एक और रूल होगा, अगर किसी का पीरियड आता है तो बाकियों को बताना होगा. सही कहा. उसी वक्त हर एक डिटेल, खासकर कैसा लग रहा है. मेरा रोल होगा हम एक बॉय बुक बनाएं और अपने फेवरेट लड़कों के नाम लिखें. और तुम मार्गरेट?
कोई रूल है? हाँ, जो ये बॉय बुक्स होंगी, हमें हर मीटिंग में उन बुक्स को एक दूसरे को दिखानी होगी और हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है। चलो फिर पार्टी शुरू करें। ठीक है हनी, गुड नाइट, कल मिलते हैं। मुझे एक ब्रा चाहिए। ओह, तुम्हें लगता है इसकी जरूरत है? ओह नहीं, ओह ओह हनी, आई एम सो सॉरी। नहीं, मेरा मतलब था कि ब्रा पहनना मुश्किल है, तो आखिर तुम क्यों जरूरत से पहले इसे पहनना चाहती हो? पर अगर तुम्हें ब्रा चाहिए तो हम चलकर जरूर ले लेंगे। हाँ। तो क्या तुम्हें चाहिए? हाँ, मैंने यही तो कहा। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, तो हम दोनों साथ चलकर वो ले आएंगे इस वीकेंड। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट स्वीट हार्ट। ओके, शुक्र है ये बात यही खत्म हुई। गॉड, माफी चाहूंगी, मैं बस अभी आई। आप यहाँ पीटीए मीटिंग के लिए आई हैं? ओह यस, हाय हाय, मैं हूँ बारबरा साइमन। ओह बारबरा, मैं जैन व्हीलर हूँ, नैन्सी की मॉम। मैं मार्गरेट से मिली थी। मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है, आइए ना, बैठिए प्लीज। ओके थैंक यू। तो चलिए, कहीं भी बैठ सकते हैं। हाँ, यहीं बैठ जाइए। ओके ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए। जलनो, आप जैसे मेहनती पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं है, तो बिना वक्त गवाए हर साल की तरह इस बार भी हम सबसे पहले बना लेते हैं कमिटीज। पहली कमिटी है कैंपस इम्प्रूवमेंट कमिटी। कोई वॉलंटियर करेगा? ओह ओके, ओह क्या बात है, बारबरा तुम भी ठीक है। और अब बारी है जलनो सोशल कमिटी की। जरूर, क्यों नहीं। हाँ। बहुत खूब, अब बारी है फंड रेजिंग कमिटी की। जैसा तुम चाहो बारबरा, ये तो अच्छी बात है। तो ठीक है, पेंसिल्स नीचे रखो और अपने पेपर्स आगे पास कर दो। टेस्ट कैसा था मार्गरेट? लगता नहीं है अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल राइट, इससे पहले कि घंटी बजे, मैं एक न्यूज शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत खुशी होगी। अब जब तुम सब सिक्स स्टैंडर्ड में हो, तुम्हें एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो तुम साल भर कर सकते हो। यस यस। मार्गरेट, दो मिनट रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या किया तुमने मार्गरेट? हाय। हाँ, प्लीज बैठ जाओ। तो मैं बात करना चाहता हूँ हर स्टूडेंट से उनके रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि मैं उनके सवालों के जवाब आसानी से दे सकूँ। टॉपिक चूज करने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। ओह। मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन पेपर भी पढ़ा और मैंने देखा आई हेट सेक्शन में तुमने लिखा है रिलीजियस हॉलीडेज, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो तुम इनकार कर सकती हो। ओह नहीं, बात यह है कि शायद मुझे त्योहार पसंद नहीं, क्योंकि मैं इनमें से किसी को भी नहीं मनाती। मेरे डैड जूश हैं, मेरी मॉम क्रिस्टियन है, तो मुझे कोई एक रिलीजन चूज करना ना पड़े, इसलिए उन्होंने मेरे लिए रिलीजन चूज न करते हुए उसे मुझ पर छोड़ दिया। और क्या तुमने कभी इस बारे में कुछ सोचा? अभी तक नहीं, मेरी दादी चाहती है मैं जू बनूं। और तुम्हारी नानी चाहती होंगी कि तुम एक क्रिश्चियन बनो, है ना? पता नहीं, मैं उनसे कभी मिली नहीं, वो ओहायो में रहती हैं। तो तुम उनसे कभी भी नहीं मिली? नहीं। ओह, तो अगर तुम मेरी मानो तो
मेरे ख्याल से रिलीजन तुम्हारे लिए एक अच्छा रिसर्च टॉपिक साबित हो सकता है। सीट है 10 वीरों में, बिल्कुल बीच में, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। बताना उसे। बता दूंगी। क्या वो एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है। मतलब वो एक्साइटेड है या वो बस एक्साइटेड है? कहाँ ना एक्साइटेड है। ओके ठीक है ठीक है, तुम्हें और नहीं पकाऊंगी पर मैं एक्साइटेड हूँ। ओके बाय बाय। हे हे, काउच कहाँ गया? मैं कुछ नया करना चाहती थी तो मैंने सोचा कुछ मॉडर्न से ले आऊं। पता नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। स्कूल कैसा था वैसे? आज आने में तुम्हें थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ मॉम, मैं आज तक आपके मॉम डैड से क्यों नहीं मिली? आज अचानक उनका ख्याल कैसे आ गया? मैं सोच रही थी, मतलब मैं जानती हूँ हम उनसे मिलते नहीं क्योंकि वो दूर रहते हैं, पर हम उनसे बात क्यों नहीं करते? हम बस नहीं करते, क्या कहूँ, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। क्या मतलब है आपका? क्यों ना मैं ये कहानी तुम्हें फिर कभी सुनाऊँ? आप अभी क्यों नहीं बता सकती? देखो, देखो मैं ये तो हम मेरे पेरेंट्स से नहीं मिलते क्योंकि वो हमसे नहीं मिलना चाहते। क्या? दरअसल मेरे मॉम और डैड कट्टर क्रिश्चियंस में से हैं और तुम्हारे पैदा होने से पहले जब तुम्हारे डैड और मुझे प्यार हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा दूसरे रिलीजन के दामाद को अपनाना। उन्होंने कहा कि वो कभी एक जीव दामाद को नहीं अपनाएंगे और कहा अगर मुझे उससे शादी करनी है तो वो मेरी मर्जी है, पर उसके बाद मैं उनकी बेटी नहीं रहूंगी। पर आप उनकी बेटी हैं। शायद मेरा मतलब था कि वो नहीं चाहते कि मैं उनकी जिंदगी में रहूं, इसीलिए मैं नहीं हूं। मॉम, मैं ठीक हूं। ओ बेबी, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। तुम दोनों हो ना मेरे पास। अच्छा सुनो, पता है क्या, डैड आज ट्रेन से गए हैं ताकि गाड़ी ले जाकर हम शॉपिंग जा सके, याद है ना? भूल गई ब्राज। आप सुन रहे हैं गॉड, मैं हूँ मार्गरेट। मुझे समझ नहीं आता किस किस्म के पेरेंट्स ऐसा करते हैं और इल्जाम रिलीजन पर डालते हैं। गॉड प्लीज मेरी मॉम का ख्याल रखना, वो एक अच्छी इंसान है, वो सबका ख्याल रखती है। कोई बात नहीं, चाहे वो उनका काम हो या ना हो। मैं इसलिए ही तो हूँ। मैं नहीं जानती जो हुआ वो क्यों हुआ, पर प्लीज किसी तरह सब ठीक कर दीजिए। और ये रही ब्रास। ओ, वैसे मैं आज ब्रा लेने आई हूँ, उसे पहनने लायक बॉडी मिल सकती है प्लीज? एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं इसके साइज की ब्रा कहाँ मिलेगी? इतने छोटे साइज में ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, पर आओ बेटा साइज चेक कर लेते हैं। हाथ ऊपर करो। थैंक यू सो मच। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल से 28 होगी, ये तो डबल ए भी नहीं है। देखो बेहतर होगा अगर तुम ये ग्रो ब्रा ले लो ताकि आगे चलकर जब तुम बड़ी हो जाओ तो इसे पहन पाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई बात, थैंक्स, हम बस एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इसे लगाने में मैं मदद करती हूँ। बस हो गया, ये सच में बहुत मुश्किल काम है, इसे लगाने में आज भी मुझे दिक्कत होती है। ओके, हो गया, जरा देखने दो। तो कैसा लग रहा है? मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। Thank you.
हेलो। देखो तो जरा, जनाब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं भारी मशीन के साथ। आउच। वैसे अगर शर्ट उतार दूं तो और भी अच्छा लगूंगा। मुझे चलेगा। इसकी आवाज सुनी तुमने? कभी न्यूयॉर्क के बाहर किस किया है किसी को? नहीं, कभी नहीं। मैं हूँ लॉरा डैंक। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Oh my God! तुम्हारी उंगली तो नहीं कट गई? यहाँ लिखा हुआ है कि इंजन की मोटर को बंद करके ही मोड़ की सफाई करना। तो मतलब ये मेरी गलती है? तुम्हें अपना हाथ अंदर डालने से पहले मोटर। अरे ये तो ऐसे ही। बंद मोटर बंद करना भूल गए डैड। तुम कहाँ गई है? सब अपनी बॉय बुक्स निकालो। पहले कौन नाम बोलेगा? क्या फर्क पड़ता है? हम सभी ने अपनी बुक में एक ही नाम लिखा होगा। फिलिप लीरॉय। कितना क्यूट है। सेकंड स्टैंडर्ड से ही ऐसा है। इस साल और अच्छा लग रहा है। सच में? हाँ, वो जरूर किसी बीच पर गया होगा। दिखता तो सेम ही है। तुमने किसका नाम लिखा? मैंने भी उसी का नाम लिखा है। ठीक है, ये मैटर खत्म हुआ और अब हम देखेंगे सबकी ब्रास। ग्रेचिन ने ब्रा पहनी है, जेनी ने ब्रा पहनी है, मार्गरेट ने भी पहनी है। अब सब अपने साइजेस बताएंगे। वैसे इसका कोई साइज नहीं है, उन्होंने बताया कि ये एक ग्रो ब्रा है। हाँ, मेरी भी वही वाली है। हाँ, मेरी भी। मेरा नहीं, मेरा है 32AA। अगर इन छोटी ब्रास से छुट्टी चाहिए तो तुम्हें भी वही एक्सरसाइज करनी होगी जो मैं करती हूँ। इसकी एक्सरसाइज भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। पहले अपने हाथों को ऐसे रखो और कहो, होगा होगा, साइज बड़ा होगा होगा होगा, साइज बड़ा होगा। ये काम करता है? मैं जीती जागती सबूत हूँ। अब चलो उठो 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 उठो, शर्माओ मत, उठ जाओ। होगा होगा, साइज बड़ा होगा होगा, साइज बड़ा होगा बड़ा होगा। चेन ऊपर करो। होगा होगा, साइज जरूर बड़ा होगा होगा होगा, साइज जरूर बड़ा होगा होगा, साइज बड़ा होगा साइज बड़ा होगा। शट अप, साइज बड़ा होगा। चुप करो। देखो हो भी गया, देखो ना। दादी ने कहा वो तुम्हें वही मिलेंगी जहाँ तुम उतरोगी। ठीक है। और बस में किसी से बात मत करना, खासकर आदमियों से। बिल्कुल। और तुम्हारी सिंगल सीट है? ठीक है डैड। ड्राइवर के पास वाली? माफ करना सर, ये हमारी बेटी है, ये अकेले सफर कर रही है, तो प्लीज आप इसका ख्याल रखिए। जरूर मैडम। हाँ ठीक है, बाय। तुम्हें मजा आएगा। बाय। ओके, ध्यान रखना। हाँ बस वही है, वही है। बढ़िया, बहुत अच्छे, मिलते हैं। वैसे इतनी आजादी ठीक तो है ना? आप सुन रहे हैं गॉड, मैं मार्गरेट बोल रही हूँ। मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ, तो क्या आप प्लीज़ मुझे सेफली पहुँचा सकते हैं? ओह थैंक गॉड, इनके होने से थोड़ा सही लग रहा है। शायद मुझे स्कूल प्रोजेक्ट का टॉपिक रिलीजन ही चुनना चाहिए। मेरे ख्याल से टाइम आ गया है मैं डिसाइड कर लूँ कि मुझे किसे चुनना चाहिए। गॉड, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मैं अपडेट देती रहूंगी और वादा करती हूँ कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपसे पूछूंगी। I am the very model of a modern major general. I have information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and the courts of historical grammar. दादी माँ! मेरी बच्ची तुम आ गई। ओ देखो तो, बहुत प्यारी लग रही हो। आप भी, आपके बाल लाल हैं। हाँ, आप सबको लगता है कि मैं एक एक्टर हूँ। चलो तुम्हारे बैग को रिसेप्शन पर रखवा दे, फिर सीधा चलेंगे डिनर कोर्ट। Then I can write a washing bill in Babylonic uniform and tell you every detail of Caractacus's uniform. In short, in matters vegetable, animal and mineral, I am the very model of a modern major general. Achcha
अच्छा सुनो, तुम्हें हमेशा सोने से पहले हैंड लोशन लगाना चाहिए, उसके ऊपर कुछ लेडीज ग्लव्स पहनती है और फिर सो जाती है, पता है क्यों? नहीं। तो सुनो, पहले वादा करो जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस करती हो? हाँ पक्का। तो असल में हुआ यूँ कि मैंने एक बेहतरीन हैंड क्रीम खरीदी, साथ में सफेद ग्लव्स भी लिए और उन्हें पहन लिया। सच्ची मजाक नहीं है ये। फिर मैं लेट गई और मेरी आंख लग गई और नींद में मैंने ऐसा कुछ किया होगा और फिर मैं चिल्लाई, कौन है मेरे कमरे में, कौन है बाहर? मैंने अपना हाथ ही नहीं पहचाना। सच कहूं तो वाकई कमाल हो, कितना मजा आ रहा है मुझे तुम्हारे साथ। मुझे भी दादी, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है मेरी बच्चे। आप बहुत प्यारी हैं सच में। मजा आ गया आज तो। भूल जाओ उससे पहले, अगर रात को आवाज आए या तो वो मैं नहीं, ठीक है? बस एक सपना है और कुछ नहीं, ठीक है? चलो। स्वीट ड्रीम्स। वैसे दादी माँ। हाँ मेरी बच्ची। आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ टेंपल चल सकती हूँ? बिल्कुल चल सकती हो, सच्ची सच्ची। हाँ हम कल सुबह चलेंगे, पता नहीं मैं क्या पहनूंगी। स्वागत है, स्वागत है। आज मेरे साथ मेरी पोती भी आई है। शबाद चलो। मेरी पोती है। शबाद चलो। ये मेरी पोती है जो आ रहे हैं वो रबाई है, शहर में सबसे मशहूर। 2 घंटे और काम खत्म। बिग बैंग बूम। स्वागत है आप सभी का। ओ शुरू हो रहा है। शबाद शलोम। शबाद शलोम। शबाद शलोम का मतलब है हेलो, गुड बाय, अमन और शांति, ऐसी कुछ चीज़ है। शुक्रिया अदा करते हुए करें। तो अपनी प्रेयर बुक्स खोलिए और 26वें पन्ने पर जाइए। माथोवु ओहालेखा याकोब मिशकिनोतेखा इस्राएल ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. ואני אשתחווה ויקראה, אברכה לפני ארוני עושי. ואני תפילתי לך ארוני אלוקים ברוב חסדך. הרי דועה היא כי הרי סבי סדסי פרמשוור דוארה דיכאי גאי רסטה פר היא צלנגי. שבת שלום. בוהת אצ'ה לגרה. मेरी बच्ची, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। पता नहीं गॉड, यहाँ के लोग अच्छे हैं और म्यूजिक भी पसंद आया, पर शायद मेरी उम्मीदें कुछ और ही थी। पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ, मुझे लगा मैं कुछ महसूस करूँगी। मुझे यकीन नहीं होता वो तुम्हें हमसे पूछे बिना टेंपल ले गई। मैं हैरान हूँ इतने साल कैसे रुक गए। कहा ना वहाँ जाने का आइडिया मेरा था, मैं बस वहाँ जाकर देखना चाहती थी। मैं चर्च भी जाकर देखूंगी मॉम, तो इतना मुझे चर्च की नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती तुम चर्च जाओ, मुझे बस नहीं लगता कि तुम्हें इन बातों में इस उम्र में उलझना भी चाहिए। आपने कहा था कि बड़ी होकर रिलीजन चुन सकती हूँ। बड़ी होने के बाद एक एडल्ट बनकर। मैं 12 की होने वाली हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ। बच्चा नहीं। मार्गरेट हनी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। मुझे भी आ गई थी। मैं नहीं चाहती उसे ये सब सहना पड़े। चाहता तो मैं भी नहीं, पर इसमें हर्जी क्या है? सोच कर देखो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जब वो बार बार प्रेयर्स में जाएगी तब उसे लकी फील होगा कि हमने उसे कभी फोर्स नहीं किया। पता है मैंने जाना क्यों छोड़ा? कहाँ जाना? टेम्पल जाना। क्या लॉजिक है? पड़ती थी और घंटों बैठे रहना पड़ता था। ओह हनी, ओह क्या? I'm so sorry, मैं क्या? मैं सच में जल्द से जल्द फर्नीचर खरीद लूंगी। मेरे लिए ये काफी है, देखो तो सही, ये देखो। ओह गॉड, क्या है कोई ऐसा सोफा जो ये कर पाए? बताओ। सभी जानते हैं स्कूल प्लेरूम की सीलिंग कितनी भद्दी है। हाँ सच में। हाँ, तो क्यों ना हम उसे फिर से बनवाएं, काले रंग से पेंट करें और फिर हम छोटे छोटे स्टार्स काट कर जगमगाता हुआ आसमान बनाएं। ओह ये अच्छा है। तो हमें इसके लिए कितने स्टार्स चाहिए? ओह मैं सोच रही थी कुछ 5 से 10 हज़ार तक। ओह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तो सबके लिए कैच। इतने सारे? ओके, जाते हैं काम पर। रोमनाड राइट।
अब सिंगल लाइन और क्लास खत्म हुई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप सब जा सकते हैं। थैंक गॉड क्लास खत्म हो गई। हद है यार, नॉर्मल बहुत गंदा है। गर्ल्स, ग्रेचन वो बुक ले आई है। कौन सी बुक? वही वाली, मेरे पापा की एनाटॉमी बुक जो मैंने बताई थी। देखने में लग रहा है एक अंगूठा। क्या? कितना ढीला है। जैसे एक झूलती घंटी। मेरे भाई का भी ऐसा ही है। तुम्हें कैसे पता? वो नंगा घूमता है, मैंने देखा है और बहुत गंदा लगता है। मैं किसी को नंगा नहीं देखूंगी, ना ही किसी के सामने वैसे जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। ओ अच्छा, शादी के बाद क्या करोगी? तब तो बिल्कुल नहीं। जेनी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम चाहोगी पूरी दुनिया तुम्हें देखे, जैसे प्लेबॉय वाली लड़कियां चाहती हैं। कौन सी लड़कियां? कैसा प्लेबॉय? तुमने कभी नहीं देखी प्लेबॉय? वो मुझे कहां मिलेगी? मेरे डैड के पास है प्लेबॉय। क्या? इसका मतलब इस घर में तुम्हारे पास एक कॉपी है? मैं नहीं जानती वो कहां रखी है। तुम जानती हो वो कहां रखी है? लाओ ना। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब जल्दी ले आओ मार्गरेट। देखो इसके कितने गोल हैं। मेरे तो डायन की टोपी की तरह दिखते हैं। हिलरी ब्राइट 19 साल की एक लड़की है जिसे वाटर स्कीइंग, हॉर्सेस और मॉल में जाकर शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है 19 के होने पर हम भी इस जैसे दिख पाएंगे? होगा, होगा, साइज बड़ा होगा, होगा, होगा। मॉम आप क्या कर रही हैं? ये क्रिसमस कार्ड्स हैं? न्यू ईयर कार्ड्स हैं। कोशिश कर रही हूँ साल खत्म होने से पहले तैयार कर लूँ। ओह लो पोस्टमैन आ गए। तुमने शूज पहने हैं? उन्हें ये पकड़ा सकती हो? थैंक यू बेबी। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। नॉर्मन फिशर? तो नॉर्मन फिशर है कौन? मेरी क्लास में एक अजीब सा लड़का है, पता नहीं उसने मुझे बुलाया क्यों, मैं तो उसे जानती भी नहीं। हेलो, तुम्हें भी उस गधे नॉर्मन फिशर ने अपनी पार्टी में बुलाया है? हाँ, तुम्हें भी बुलाया क्या? सबको, पूरी क्लास को, जेनी, ग्रेचिन सबको, फिलिप लेरॉय को भी, लॉरा डैंकर को भी। कहा ना सबको। वैसे मेरी मॉम ने नॉर्मन की मॉम से बात की और एक बड़ी सी डिनर पार्टी है, हमें अच्छे से तैयार होकर जाना होगा।
चलो अब लेट जाओ। बस हो ही गया। ओ तुम कमाल हो, पहले हिलना बंद करो। राजकुमारी लग रही हो। ठीक है, बहुत चलो मारे, चलो भैया और बॉस के साथ। ठीक है चलो। अच्छा रुको रुको, एक आखिरी फोटो बॉस के साथ। इन्हें फ्रेम करा कर दीवार पर लगाऊंगी। बस ऐसे इन्हें पीछे कर दो, थोड़ा सा फूक लगा कर पीछे चिपका दो। तुम्हें जाना होगा, चलो चलो। बाय, थैंक यू जेन। बहुत मजा आएगा। ओह गॉड, मैं बहुत खुश हूँ हम सब साथ जा रहे हैं। ठीक है तो मैं बस जा ही रही थी। हाँ मैं चलती हूँ, एंजॉय करो। क्या तू ऐसा कर सकता है? नहीं है ना वो। वो कभी किसी से बात क्यों नहीं करती? क्या पता, क्योंकि दूसरी चीजों में जो बिजी रहती है इसलिए। अगर सबने पेट भर कर खा लिया हो तो अब हम खेलेंगे कुछ गेम्स। कैसे गेम्स? पहले मैं घुमाता हूँ। ठीक है, अब चीनी बॉटल घुमाएगी। इसे कहते हैं पार्टी। गेम खेलना जरूरी है, तो चलो कोई और गेम खेलते हैं। मैं आइडिया दूं, जिसका नाम है बंद कमरे में 2 मिनट। उसमें क्या होगा? हम सभी को नंबर्स मिलेंगे और फिर कोई फॉर एग्जांपल कहेगा नंबर 6, तो जिनके पास वो नंबर होगा वो जाएंगे। नंबर 3। किसके पास है नंबर 3? किसी ना किसी के पास तो होगा ही। अबे जाना, सोच कर रहा है। हाँ के लिए कोई स्टूल तो ले जाओ। मुझे सच में डर लग रहा है। क्या लगता है वो क्या करे? अच्छा सॉरी। अब तुम्हारी बारी। मुझे मिला है नंबर 12। क्या 12 तुम्हारे पास है? मार्गरेट इधर तो देखो। तो
क्या किस सच में अच्छी थी? किसेस सच में काफी अच्छी थी। हाँ। किसेस? उसने एक से ज्यादा बार किस किया? मतलब कितनी बार किया? 5 बार शायद। पता नहीं, मैं गिनना ही भूल गई। जानती हूँ मुझे इतना खुश नहीं होना चाहिए गॉड, पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सॉरी, मैं फोकस करती हूँ। आइज़िया की किताब में अध्याय 9 छंद 6 और 7 में लिखा है, हमारी खातिर एक बच्चा पैदा हुआ, हमें एक बेटा मिला है और वो होगा एक अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिशाली भगवान, परम पिता, शांति का दूत। सिर्फ आप ही हिंट दे सकते हैं गॉड। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे कौन सा रिलीजन चुनना चाहिए? कभी कभी सोचती हूँ काश मेरा एक ही रिलीजन होता। हाय, गुड इवनिंग। मैं बारबरा बोल रही हूँ डिलेनो एलिमेंट्री स्कूल से, और मुझे आपका थोड़ा वक्त चाहिए था। डोनेशंस की, सॉरी, आपको पहले टाइम तो देखना चाहिए। ओह गॉड, मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जरूर, बाय बाय। जाना नहीं, यकीन नहीं होता तुमने सुन ली। ओके, ठीक है। नहीं, जैन, मैं बस गुजर रही थी, सोचा स्टार्स लेती चलूं। हाँ, मैं बस सफाई कर रही थी। आ जाओ अंदर, मैं जाकर स्टार्स ले आती हूँ। वो ऑलमोस्ट तैयार हैं। एक्चुअली मैंने फर्नीचर मंगवाया था, पर अभी तक उन्होंने भेजा ही नहीं। oh, अजीब है। खैर, स्टार्स कहाँ है? कहाँ है स्टार्स? थैंक यू। और हाँ, किसी से कुछ कहना मत, लेकिन डेब के स्टार्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हैं। और तुम्हारे वालों का तो जवाब ही नहीं। थैंक यू। बुरा ना मानो तो तुम उसके हिस्से की भी बना दोगी? हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। जरूर, अब हाँ। थैंक यू, तुम सच में बहुत प्यारी हो। खैर, मुझे अब चलना चाहिए, अब भी बहुत सारा काम बाकी है। सच में रुको, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। थैंक यू, चलो बाय। रियली थैंक यू। बाय जैन। जरूर, कोई बात नहीं। हेलो गर्ल्स, क्या? मैं हूँ मिसेस वेबस्टर, और मैं यहाँ आई हूँ आप सबको बदलती बॉडीज के बारे में बताने के लिए। कहा था ना, हमें यहाँ पर सेक्स फिल्म के लिए लाए हैं। आप में से कुछ शायद इन बदलावों को पहले से ही देखती आई होंगी, और कुछ ऐसी भी होंगी जिनके शरीर में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया होगा। अब हम देखेंगे एक शॉर्ट फिल्म जिससे हम कुछ सीख सकें।
लड़कियां अनोखी हैं, पर अक्सर 9 से 16 की उम्र में हर लड़की के साथ एक बहुत खास चीज होती है, मेंस्ट्रुएशन। महीने में एक बार औरत के यूट्रस में खून और टिश्यूज की एक मखमली परत बनती है, जिससे बच्चे को पलने के लिए एक पौष्टिक जगह मिले। अगर उस दौरान बच्चा कंसीव नहीं होता है तो इस परत की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए योनि में से खून निकलता है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या लगता है पहले किसके आएंगे? वो छोड़ो, आखिरी का बताओ। समझ नहीं आ रहा मुझे इतना वक्त क्यों लग गया सिर्फ फर्नीचर लेके आने में। मैं बस चाहती थी हमारा घर उन प्यारे घरों जैसा दिखे जिनमें प्यारे प्यारे परिवार रहते हैं। तुम्हें ये एग जैसी चेयर पसंद आई? आपके पीरियड्स कब शुरू हुए थे? मतलब तब आप कितने साल की थी? मैं शायद 14 की थी। क्या इतना लेट? इसे लेट नहीं मानेंगे, मतलब मेरी एक कजिन को 16 की उम्र में आए थे तो 16? मैं, ओ माय गॉड, मैं मर जाऊंगी अगर मुझे 16 से पहले पीरियड्स नहीं हुए तो। बेबी ये आ जाएंगे एग्जैक्टली जब इन्हें आना होगा, इनकी चिंता मत करो। मॉम ने मुझे रेडियो सिटी के टिकट्स दिए हैं क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं। कोई साथ चलना चाहेगा? प्रॉब्लम ये है कि मेरा भाई और मूज भी आएंगे। ओ, मैं चलूंगी। ठीक है, मुझे आ गए। कौन आ गए? मेरे पीरियड्स। समझ नहीं आ रहा तुम्हें पहले कैसे आ गए जबकि मेरे तुमसे बड़े हैं। उसका इस सब से क्या लेना देना? बिल्कुल है ग्रेचिन। ये बताओ हुआ कैसे? हमें बिल्कुल शुरू से बताना। तो मैं खाना खाने बैठी थी, मीट लोफ बना था और ऐसा लगा मुझ में से कुछ निकल रहा है, तो मैं दौड़कर बाथरूम गई। मैंने अपना ट्राउजर नीचे किया और तब मैंने देखा खून। तो मैंने अपनी मॉम को बुलाया और उन्हें दिखाया और वो पैड्स को सैनिटरी नैपकिन्स बताकर मेरे पास लाई, जिसे मैंने पहन लिया और बस उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? बस इतना ही? मैंने सब तो बता दिया। नहीं, जरूर तुम कुछ भूल रही हो। मेरी बहन ने बताया कि एक अलग स्मेल भी होती है पर वो मुझे अब तक नहीं आई। स्मेल? कैसी स्मेल? वो स्मेल बिल्कुल मंकी बास जैसी होती है। मंकी बास जैसी? हाँ। मुझे मंकी बास बहुत पसंद थे। पर क्या अब तुम्हें बड़ों जैसा लगने लगा है, पहले से ज्यादा मैच्योर? ओ हाँ, पता नहीं मैं ये कैसे समझाऊं और तुम समझ भी नहीं पाओगे जब तक तुम्हें आएंगे नहीं, पर सब बदला बदला सा लग रहा है। सुन रहे गॉड, मैं मार्गरेट हूँ, मैं कभी इतनी जेलस नहीं हुई और ये सोचकर मुझे खुद से नफरत हो रही है, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे बड़ा कर दो, मुझे पीरियड्स दे दो ताकि मैं बाकियों की तरह एक नॉर्मल लड़की बनकर जी पाऊँ। प्लीज़ 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 प्लीज़। आमीन। क्या हमें ये करना चाहिए? कोई बात नहीं, हम बस तैयारी कर रहे हैं, कभी आ गए तो। ओके। आप आगे आ जाइए। प्लीज गॉड, काउंटर पे आंटी हो। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। हाय, कैसी हो? अरे नहीं, वापस रख देते हैं। नहीं रुको, चलो। पता नहीं पर हमने कर दिखाया। हाँ यार।
हाय हाय तुम्हारे लिए एक पोस्टकार्ड आया है ओह थैंक्स डीसी में कौन है नैंसी प्रेसिडेंट्स डे के लिए वो वहाँ गए हैं ओह हाँ ठीक है दरवाजा बंद कर दूँ हाँ ठीक है आई गॉट इट इसे भी आ गए हेलो साइमन रेसिडेंस सिल्विया बोल रही हूँ दादी माँ मार्गरेट क्या बात है आपकी बहुत याद आ रही है ओ मेरी बच्ची मुझे भी मैं अगले हफ्ते रॉकेट्स देखने आऊंगी और मैं सोच रही थी कि मैं आपके पास एक रात रुक जाऊं जैसे पहले रुकी थी ओ मेरी बच्ची मुझे खुशी होगी बहुत खुशी पर मैं तब फ्लोरिडा में होंगी मैंने एक होटल के बारे में सुना वहां मेरी उम्र के बहुत सारे लोग आते हैं और ठीक है एक मिनट रुको क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए फ्लोरिडा आ जाओ और मेरे साथ रहो तब समर वेकेशंस भी रहेंगे हाँ अप्रैल के एंड में परफेक्ट मैं तब भी वहीं रहूंगी मॉम डैड से पूछती हूँ हाँ जरूर ये हुई ना बात बाय मेरी बच्ची चलो जल्दी करो फ्रंट रो टिकट्स है यार है ना सब फ्रंट रो में क्यों बैठते हो हाँ हम सब उसी के लिए तो जाते हैं मुझे तो उसका लॉजिक ही समझ नहीं आता हाय हाय हे बहुत अच्छी है हम क्या ऑर्डर करने वाले जो भी तुम्हें सही लगे सॉरी लेफ्टी हूँ ओह नहीं नहीं कोई बात नहीं आसपास कोई वेटर दिख रहा है ओह तुम मेरा ले लो मैंने अभी तक इसमें से पिया नहीं है थैंक्स हे जानती हो तुम्हारी सबसे खास बात क्या है नहीं साथ चलो बाथरूम जाना है हम अभी आते हैं मेरा खाना मत छूना पता है जब से यहाँ आए हैं तब से मैंने रोक कर रखी थी ऊपर से 3 7-Up भी पी ली हाँ नहीं नहीं क्या हुआ ओ प्लीज नहीं नैंसी अरे नहीं नैंसी क्या बात है मेरी मॉम को बुलाओ मार्गरेट पर हुआ क्या बस मेरी मॉम को ले आओ जल्दी दरवाजा खोलो प्लीज प्लीज मार्गरेट मेरी मॉम को बुलाओ ठीक है मैं उन्हें लेकर आती हूँ सुनिए आंटी नैंसी रो रही है आपको बुला रही है ओके चलो नैंसी नैंसी प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज हेल्प करो दरवाजा लॉक्ड है नैंसी मैं अंदर नहीं आ सकती पहले इसे खोलो मैं नहीं खोल सकती नहीं मैं खोल सकती हूँ नैंसी दरवाजा खोलो चलो मुझे अंदर आने दो बताओ क्या हुआ ठीक है शांत हो जाओ मैं अब आ गई हूँ ना अच्छा मुझे देखो शांत हो जाओ अगर रोना बंद करके बताओगी नहीं तो मैं हेल्प कैसे करूँगी हे बात क्या है ओह ठीक है रुको बस एक सेकेंड ना मार्गरेट मार्गरेट तुम नैंसी के लिए एक पैड ले आओगी प्लीज
वहाँ दीवार पर लगी मशीन में से उसके पीरियड्स आ गए स्वीटी। क्या ये हर बार रोती है? पहली बार आए हैं ना, इसलिए थोड़ा घबरा गई है। थैंक यू स्वीटी। नैंसी ये लो। ठीक है, तुम दोनों हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं बाहर बता दूं, परेशानी की कोई बात नहीं। ज्यादा देर मत लगाना, ठीक है? सुन रहे हैं गॉड, मैं हूँ मार्गरेट। अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि क्या कहूँ। बैठे हैं आज हम ग्रुप्स में दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। वैसे तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आओ। ये पिंच एक इंच बढ़ाने के लिए, और कहाँ वो तुम जानती हो। Hey. अब सुन रहे हैं गॉड, मैं हूँ मार्गरेट। मुझे फिलिप लीरोय से नफरत है, नफरत है। और लॉरा डैंकर से भी, अपने बूब्स दिखाते हुए। ओह सब देखो मुझे, मैंने कैसा स्वेटर पहना है। मुझे नैंसी से नफरत है, झूठी कही की। और नॉर्मन फिशर, जिस क्या तरीके से वो बात करता है, देखकर ही गुस्सा आता है। प्लीज, जल्दी कीजिए और मुझे फ्लोरिडा ले जाइए। फिलिप और नॉर्मन को यहाँ होना चाहिए, सारी मेहनत हम कर रहे हैं। तुम्हारी मॉम कितने बजे लेने आएंगी? नहीं अभी टाइम है, पहले मुझे सेंट थॉमस जाकर एक कन्फेशन करना है। कन्फेशन? कैथलिक्स को हमेशा ये करना पड़ता है। क्या कन्फेस करती हो तुम? कुछ चीजें। ओह, किस तरह की चीजें? खैर जाने दो। तुम ये पूरा वर्ड बुक में से कॉपी कर रही हो? चार वर्ड्स लिखे हैं। जर्मनी इन्वेडेड बेल्जियम व्हेन। फिर भी इसे चीटिंग ही कहेंगे, और अगर तुमने चीटिंग की तो सर समझ जाएंगे। मैं चीटिंग नहीं कर रही, समझी? तुम्हें लगता है बड़ी हो तो सब तुम्हें ही पता है? और इसका बड़े होने से क्या लेना देना है? मैं जानती हूँ तुम क्या क्या करती हो। और इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे और मूस के किस्से सुने हैं। मेरे और मूस के कौन से किस्से? वही जिसमें तुम एवन और मूस एएनपी के पीछे जाते हो। और मैं वहाँ क्यों जाती हूँ? तुम क्यों जाती हो मुझे नहीं पता, पर उन दोनों का मुझे पता है, ताकि तुम्हें छू सके और तुम छूने देती हो। तुम झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। बिल्कुल नैंसी जैसी हो, कहानियां बनाकर लोगों का तमाशा बनाती हो। क्या लगा तुम्हें मैं तुम्हारी तितली क्लब को नहीं जानती? लॉरा, रुको, प्लीज, लॉरा।
क्या मैं नहीं जानती कि तुम सब मेरा हर दिन मजाक उड़ाती हो? पर मैं नहीं। क्लास की सबसे बड़ी लड़की कौन बनना चाहेगा? तुम्हें कैसा लगता है अगर तुम्हें पहननी पड़ती एक ब्रा, वो भी फोर्थ स्टैंडर्ड में, और सब तुम्हारा मजाक बनाते क्योंकि तुम सबसे अलग हो? मैं नहीं जानती। हे, रुको, मुझे माफ कर दो लॉरा। लॉरा, लॉरा, मैं दुनिया की सबसे बेकार इंसान हूँ गॉड। मैंने अपना गुस्सा लॉरा डैंकर पर निकाल दिया। मैं नैंसी जैसी नहीं बनना चाहती। सच कहूं तो मैं अब उसकी दोस्त भी नहीं रहना चाहती। मैं हमेशा आपको ढूंढती आई हूं। मैंने आपको टेंपल में ढूंढा, आपको चर्च में ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिले। क्यों, क्यों गॉड? मैं आपको तभी याद क्यों करती हूं जब मैं अकेली होती हूं? बोलो मेरी बच्ची, क्या तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो? मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं नहीं बता सकती, I'm sorry। प्यारी बारबरा, तुम्हारा लेटर देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें अक्सर याद करते हैं। अब हमारी उम्र हो चुकी है और हम चाहते हैं कि हम अपनी इकलौती पोती मार्गरेट एन से आखिरकार मिल पाएं। अगले हफ्ते हम वहां आएंगे और उम्मीद है तुम हमें उससे मिलने दोगी। तुम्हारी माँ मैरी हचिंस। तुमने उन्हें लेटर भेजा? पता नहीं क्यों भेजा। तुम्हें याद है ना जब उन्होंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था? हाँ। सच में? मुझे तो नहीं लग रहा। जानती हूँ, जानती हूँ। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो मैं जानती हूँ। मेरे साथ जो किया उनके हिसाब से तुम नर्क में जाओगी क्योंकि तुमने जू से शादी की। कुछ याद आया? हाँ, मुझे पता है। क्या तुम सच में दोबारा वही दोहराना चाहती हो? क्या तुम खुश नहीं? हूँ, मैं खुश हूँ। मैं ऐसा भी हो सकता है कि वो बदल गए हों। नहीं बदले होंगे तो? वो मेरे पेरेंट्स हैं। इकलौती फैमिली। हाँ वो बात तो है। ओह गॉड, अब हम क्या करें? I'm sorry। ओह यार। क्या बात है? ओह हनी, एक लेटर आया है मेरे पेरेंट्स, तुम्हारे नाना नानी का। और वो अगले हफ्ते तुमसे मिलने आ रहे हैं। क्या कहा, अगले हफ्ते? वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं। तब मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं फ्लोरिडा में रहूंगी। क्या आप नहीं चाहते मैं फ्लोरिडा जाऊँ? मार्गरेट देखो। नहीं, क्या अब क्या मैं
फ्लोरिडा भी नहीं जा सकती? हद है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, मुझे दादी माँ से मिलना है। जानती हूँ और हम अपनी गलती जल्दी सुधार लेंगे। तुम फ्लोरिडा जरूर जाओगी, बस इस बार नहीं। पर मुझे कैसे भी इसी बार फ्लोरिडा जाना है। ये सब क्या दादी माँ इस बारे में जानती? नहीं, अभी तक नहीं, हमें उन्हें बताना है। मैं नहीं बता रही, आप खुद बताएंगी। हाँ बिल्कुल। रुको, तुम रहने दो। नहीं, मैं उन्हें बात करता हूँ, प्लीज। ये जाम इस पल के नाम। मैं बस अभी आई, ये सारा चीज खा मत जाना। बस मजाक था, जितना मन चाहे उतना खा लो, बस कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना। जाहिर है वो तो लो ही होगा। साइमन रेसिडेंस। हाँ मॉम, सुनिए, मार्गरेट का अगले हफ्ते का फ्लोरिडा आने का प्लान कैंसिल हो रहा है। I'm really sorry. अब फोन मुझे दो। हेलो दादी माँ। मार्गरेट, क्या हुआ, आखिर बात क्या है? मेरे नाना नानी का लेटर आया है कि वो यहाँ आने वाले हैं, और मैं आपसे मिलने आना चाहती थी। तुम्हारी माँ से बात कराओ इसी वक्त। नहीं, रुको, मैं बात करती हूँ। सिल्विया, वहाँ क्या चल रहा है? बारबरा, सिल्विया देखो, मैं इसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ, और मैं बाद में सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। नहीं, बात क्या है मुझे अभी बताओ। I'm sorry, पर मुझे जाना होगा। अब सुन रहे हैं गॉड, मैं हूँ मार्गरेट। मेरा हाल इस वक्त बहुत बुरा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक आप ही हैं जो उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं, ताकि मैं फ्लोरिडा जा सकूं। प्लीज मार्गरेट, छोटी सही, क्या तुम प्लीज खुश लग सकती हो, या कम से कम इतनी दुखी तो मत लगो। आप उनसे मिलना क्यों चाहती हैं? उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया उसके बाद भी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो देखें हम कितने खुश हैं, और मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है। Hey, hello. वो आ गए। ओके, हाय। वो शायद तुम्हें गले लगाए, मुझे पक्का नहीं पता, बस तुम तैयार रहना। हाय। हेलो। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। ओह, हमें भी बारबरा। हे पॉल, कैसे हो? हाय मेरी बच्ची। ओह, जरूर तुम ही होगी मार्गरेट एन। तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी। बैग्स, चलकर बैग्स लेते हैं। हाँ, बाहर रुके हैं गाड़ी के पास। हाँ तो चलिए। ओके, बस यही राइट में पार्क की ब्लू गाड़ी जो है वहाँ। हाँ, तुम ठीक हो? आपको हब तो याद ही होंगे ना। हेलो, हाय, कैसे हो? बढ़िया। हाय, मिलकर खुशी हुई। मैं इसे ले लेता हूँ। हो गया। ओके। सुनो, मैंने ऊपर रख दिया। हाँ, थैंक यू। आपका स्वागत है, आप लोग इसे अपना ही घर माने। बड़ा प्यारा घर है। थैंक यू। हाँ, ठीक है तो मार्गरेट, क्या तुम इन्हें इनका कमरा दिखा दोगी, और मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। जरूर, आइए प्लीज। तो कैसा चल रहा है? तुम बताओ कैसा चल रहा है? मेरी सारी बातें तो गाड़ी में ही खत्म हो गई थी। ओह गॉड। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, टीवी शोज देखते हो? गेम शोज, वो गेम शोज देखा करते थे। ठीक है, गेम शोज। अभी आया।
हाँ मॉम, मेरे बच्चे, माँ के गले लग जाओ। ओह, कितने पतले सिल्विया। हाँ, मेरी मॉम आई है। हाँ, वो तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ कैसे? तो मार्गरेट ने कहा कि वो मिलना चाहती है, तो हम फ्लोरिडा से यहाँ गए। तुम्हारे पेरेंट्स आए तो लेना। ओह, ये है मॉरिस बिनामिन। ना के सिनेमा। हाय। मेरी मार्गरेट आ गई। तुम जानते थे? तुम्हें पता था? नहीं, याद आई मुझे मेरी जान। आप तो फ्लोरिडा में थी। थी तो सही, हम फ्लोरिडा तुम तक ले आए। मॉम, डैड, ये सिल्विया है, हब की मॉम। सिल्विया, ये दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, पॉल और मैरी। हेलो। 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 खाना बस तैयार है। ठीक है। अरे वाह, खाना बहुत ही लाजवाब है। सच में बहुत अच्छा। ओह, आपकी कुकिंग काफी सुधर गई है। खाना बहुत स्वादिष्ट। थैंक यू। वैसे मानना पड़ेगा, हमें झटका तो लगा, पर खुशी भी है कि हम सब लोग यहाँ साथ बैठे, पूरा परिवार और मिस्टर बेनेबिन भी। हमें खुशी हुई आप आए। लखाएं 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 ओ लखाएं 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 जिंदगी के नाम। तो आप कौन से शोज देखते हैं? जब तुम्हारी मॉम छोटी थी, मैं उसकी चोटी बनाती थी। तुम्हारी मॉम तुम्हारी चोटी बनाती है? हाँ, वो पहले हर दिन बनाया करती थी। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें चोटी बनाना जरूर सिखाया होगा। हाँ। ओ, कितना कुछ है जो हमें तुम्हारे बारे में जानना है मार्गरेट। 12 सालों की कसर पूरी करनी होगी। हाँ, वो तो है। तो हम सोच रहे थे तुम संडे को चर्च जाती हो या जाने की इच्छा रखती हो? नहीं, कभी नहीं, जरा भी नहीं। हमने सवाल मार्गरेट से किया है सिल्विया। मार्गरेट, तो देखो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मार्गरेट टेंपल गई थी और वो एक ज्यू। क्या कहा आपने? एक्सक्यूज मी, मार्गरेट टेंपल गई थी। मॉम, सब क्या बस बहुत हुआ। ओके, बस कीजिए। देखो, जब तुम कमरे में नहीं थे, वो इसे कन्वर्ट करने में लगे थे। वैसे मार्गरेट चाहे तो वो बैप्टाइज हो सकती है। बैप्टाइज? हाँ, अगर वो चाहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं होता आप ये। ठीक है, बहुत हुआ, ये बात यहीं खत्म कीजिए। हम उसके पेरेंट्स हैं और क्या करना है वो हम देख लेंगे। पर इस पे देखना क्या है, ये ज्यू ही तो है सिल्विया। पर हमारी नजरों में ये क्रिश्चियन है। नहीं नहीं, मार्गरेट कुछ भी नहीं है। मार्गरेट ना 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 ही ज्यू है और ना ही क्रिश्चियन। उसका कोई धर्म नहीं जब तक वो खुद ना चुने। पर इसकी मॉम क्रिश्चियन है तो ये ज्यूइश कैसे हुई? बस कीजिए। ओके, बहुत हुआ, उसे पाला, क्या फर्क पड़ता है? उसे छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम भी यही करते हैं? सबके सब बस कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी धर्म की बातें सब बेतुकी है। लड़ना बंद करो, मुझे मुझे कोई रिलीजन नहीं चाहिए और ना ही फर्क पड़ता है। बस अकेला छोड़ दीजिए, मैं नहीं मानती कि गॉड है भी। आप सब खुश हैं? मुझे माफ कर दो, नहीं, नहीं, सारी ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल कोई गलती नहीं है। तुमने तो अच्छा ही चाहा था। नहीं नहीं, जो हुआ उसमें सबकी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, है। कोई गलती नहीं है। डियर मिस्टर बेनेडिक्ट, रिलीजन से मैंने ये सीखा है कि इसकी खातिर लोग झगड़ते हैं, और हर रिलीजन में एक ही बात लिखी है, अगर तुम गॉड से प्रार्थना करोगे तो वो सुनेंगे और वो तुम्हारी मदद करेंगे। पर मैंने प्रार्थना की, मैं करती गई, फिर भी सब बद से बदतर होता गया। ठीक है, चलते हैं, हम फोन करेंगे। मैं पक्का तो नहीं जानती, पर मेरे ख्याल से शायद सच यही है कि ऊपर कोई नहीं होता और ना कोई सुनता है। अगर कोई है तो वो मैं हूं।
आपकी स्टूडेंट मार्गरेट साइमन। मार्गरेट, रुको, यहाँ मैं अभी बात नहीं करना चाहती। हाँ, मैं भी नहीं चाहती, पर जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ ये साल तुम्हारे लिए आसान नहीं था, एक मिनट के लिए यहाँ बैठ सकती हो? हाँ, अच्छा आइडिया है। हर पल इतनी ज्यादा मेहनत करना तुम्हें थका देता है ना? कितना सुंदर लग रहा है ना? ये, ये, वोहो, मजा आ रहा है। One, two, three, cheese! Junior! Come on, चलो girls! Margaret, आ जाओ! Yay! Hi! Thanks, Mr. Benedict. आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अब भी बहुत सारी कमियां सुधारनी हैं। नहीं, आप कमाल के हैं। ये सुनकर खुशी हुई मुझे। करना चाहोगी? सच में? हाँ। Yes, देखा तुमने? तो जीतना ही था यार, सदियों से जो खेल रही हो। क्या यार ग्रेचन, ग्रेचन जब देखो रोती रहती हो। मैंने भी कर दिया।
बहुत अच्छे से शेयरिंग की है तुमने डेनियल, पर हो सके तो यहाँ से थोड़ा हल्का कर दो ताकि ब्लेंड हो जाए, वैसे ये खूबसूरत है। ठीक है विली। ओह हे बारबरा, कमाल, यूं ही मिल गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। स्टार्स के साथ जो हुआ उस पर यकीन नहीं होता ना। सच में है ना, लगता है आजकल किसी भी चीज में आसानी से आग लग सकती है। खैर छोड़ो, हम जूनियर हाई के लिए कमिटीज बनाने वाले हैं। okay. और मेरे ख्याल से 3 कमिटीज में तुम परफेक्ट रहोगी। ओह जैन, प्लान तो बहुत बढ़िया है, मैं आना भी चाहती हूँ पर मैं नहीं आ पाऊंगी, पर पूछने के लिए थैंक यू। हाँ और हैव अ गुड डे। ओके, मैं तुम्हें इतनी चिट्ठियां भेजूंगी, इतनी सारी कि डाकिया खुद कहेगा कि बस करो अब और नहीं। ठीक है। ओ तुम मजे करना मेरी बच्ची, तुम्हारे लौटते ही मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे, मजे करना। बाय, लव यू, बाय। चलो तो फिर ये हो गया। ओके, हो गया। मेरे ख्याल से पैकिंग पूरी हुई, अब हमें इसे बंद। रुको रुको, कैमरा कैमरा कैमरा। हाँ ऑलराइट, ओके, अब बस हमें इसे बंद करना है। मजाक कर रहा था। हर बार मौका मिले तो क्यों नहीं। हाँ, ठीक है। बात है, चलो हो गया। ये तो हमारा रोज का काम है। घास आज कटवा रहे हो? हाँ बिल्कुल, हमने उसे पैसे नहीं दिए। हाँ, नहीं दिए। तो क्यों ना तुम किचन में जाकर उसके पैसे ले आओ। हाँ, जरूर। हे मूस, ये लो, डैड ने थैंक्स कहा है। ओह थैंक यू। हाँ, समर में एंजॉय करना, कुछ दिनों के लिए मिल नहीं पाएंगे। तुम कहीं जा रही हो? कैंप, न्यू हैम्पशायर। हाँ, आज निकल रही हूँ। ठीक है, मजे करना। थैंक्स। और पता नहीं लौटने के बाद चाहो तो चिल कर सकते हैं। सच सच में? हाँ हाँ, ठीक है। ओके, ओह माय गॉड, मॉम, क्या हुआ, क्या बात है? आ गए, मुझे मेरे पीरियड्स आ गए। क्या आ गए है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा है। वाह, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ क्रैम्स आ रहे? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीन नहीं हो रहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तुम अब एक औरत हो। मैं बड़ी हो गई। ठीक है, पहले काम संभालते, हमें पेट्स चाहिए। हाँ, तुम्हारे लिए खरीद कर रखे थे। सच में? मैं तुम्हारे कैंप के ट्रंक में डालने वाली थी, यू नो, इमरजेंसी के लिए। ओके, एक सेकंड। बस अभी आई। ओके, तो इसे ऐसे लगाना है, और अगर तुम इसे खींचो। मुझे पता है, मैं इसे 2 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी।
क्या क्या सच में क्या ठीक है फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं मैं बाहर ही रुकी हूँ ठीक है आप अब भी सुन रहे हैं गॉड मैं हूं मार्गरेट थैंक यू सो मच Listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. Never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never. Thank you.